नमस्कार दर्शकों, दस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और काफ़ी दिनों के बाद आज एक वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं, और काफ़ी बीच में कुछ गैप हुआ है और सोचा कि दोबारा से फिर तीर्थ स्थल से ही शुरू करते हैं। सो आज जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, काफ़ी जो अश्व पालक हैं, हॉर्स लवर्स हैं, वो जानते हैं आपको, लेकिन फिर भी एक बार चैनल का फॉर्मेट है, इनसे इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और इस लोकेशन के बारे में जानते हैं। प्लीज़ सर बताएं। श्री गणेशाय नमः। आप भी शुरुआत कर रहे हो और मेरा भी शुरुआत ही है, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पुष्कर राज में आपका स्वागत है और भगवान पुष्कर राज सभी अशुपालों को और आपको भी उन्नति प्रदान करें। जी जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मेरा नाम प्रमोद पारासर है जी, सब मुझे दादा भाई के नाम से जानते हैं पुष्कर में। और मारवाड़ी हॉर्स जो हैं, घोड़े होते हैं मारवाड़ी हॉर्स जी, उनका मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और ये मेरे पास हैं। मारवाड़ी नस्ल के घोड़े आप रखते हैं? जी जी जी। ओके, तो ये पुष्कर राजस्थान है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। जी जी सर, आप अजमेर जयपुर बाईपास से आओगे जी, तो सबसे पहला फार्म अपने ही आता है। हाँ जी, हाँ जी। पुष्कर और पुष्कर फेयर तो वैसे भी घोड़ों के लिए बहुत फेमस है जी जी, तो ज्यादातर लोग सब जानते हैं। जो स्टार्ट होता है वो पुष्कर से होता है सर। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ की जो मिट्टी है, धरोवर है, और अष्टभुव वैकुंठ है ये सर जी। पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम गंतु, पुष्करम दुष्करम दानस्य कर्मश निवासम दुष्करम। यहाँ पर आना अत्यंत दुर्लभ है। आप पुष्कर आज आते हो, यात्रा करते हो आध्यात्मिक और रत्नों को लेके आते हो जी, तो आपका स्वागत है। और दूसरी बात, वैसे भी आते हो दर्शन करने के लिए, उसमें भी आपका स्वागत है। हाँ, ना कि सिर्फ घोड़े वाले ही, बाकी सब लोग भी पुष्कर को बहुत से जानते हैं, बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं सर। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सर अश्वों के बारे में। ये चैनल है तो अश्वों के बारे में हम बात करते हैं जी। अच्छा, आप तो यहाँ पे पले बड़े हो और आपका जन्म यहाँ पे हुआ है, आपके पूर्वजों से लेके आप यहाँ पे रहे हो जी जी। तो अश्वों का आगमन यहाँ से कैसे होने लगा, और अश्वों का जो मेला यहाँ लगने लगा वो कैसे यहाँ लगने लगा, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल जी। ऐसा है, मारवाड़ी अश्व यहाँ पर सदियों से चलते आ रहे हैं। जो भारत में 586 रियासतें थी, कार्तिक मास के अंदर पुष्कर स्नान के लिए वो आते थे, और पुष्कर सरोवर में स्नान करने से पहले वो एक दिन दो दिन पहले आके स्टे करते थे इन डेजर्ट में। वो आराम करते थे, अपने घोड़े घोड़ी अपने जो भी पशु लेके आते थे वो आराम से बांधते थे, कैंप लगाते थे, और अपने अपनी ध्वजा पटाखा लहराते रखते थे, जिससे ये फलाने जी की पार्किंग एरिया और होटल्स मान लेते हैं उसको। कि वो फॉर्मेट वही था कि पार्किंग वहीं पे है और होटल वहीं पे है, सबको स्टे भी वहीं करना है और गाड़ियां घोड़े भी वहीं खड़े करने हैं। ठीक है। और एक आध्यात्मिक एक ऐसा ये मेला है, पुष्कर मेला है, जिसमें वर्ल्ड के हर तरह से आदमी आते हैं। यहाँ पर कार्तिक मास में ही लगता था जी जी। और पचतीर्थिया बोलते हैं उनको, जो 5 दिन मेला भरता है, 11, 12, 13, 14 पूनम जी जी। और उसी दिन सब देवता यहीं पे विद्यमान रहते हैं, तो बड़े बड़े जो ठिकाने हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, यात्री लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, वो पुष्कर आते थे, माताएं बहनें उनकी आती थी, सब किसान लोग सब आते थे। और एक स्नान अर्चना करने के बाद में वो अपने अश्वों को, जैसे किसी का अश्व पसंद आया उनको चेंज करना है, लेना है, खरीदना, वो सब भी होता था वहाँ पे। उस समय में भी अश्व प्रतियोगिता होती थी। ओके। सुंदरता के अंदर चलने में, अपने जो उसका सवार होता है, उस सवार का उसका अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है, बहुत तरह की प्रतियोगिता भी होती थी, सुंदरता की भी होती थी। तो मारवाड़ी अश्व जो प्रमोट होता है वो पुष्कर एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इस जगह आज भी वही चलता, वो प्रचलन चला आया, आगे 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 चलता गया, तो वो प्रचलन में आ गया। फिर अब हाईटेक हो गया। अब अभी हम बात करते हैं मारवाड़ी घोड़ा, अगर मारवाड़ी घोड़े की बात करें अगर हम, तो उसके बारे में बात करने से पहले गाय का जो हिंदू धर्म में जो महत्व है सर, उसका भी थोड़ा सा, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें आप प्लीज। बिल्कुल, मैं आज आपको एक डिफरेंट बात बोलता हूँ जी। जब जब पृथ्वी माता के ऊपर अत्याचार बढ़ते हैं, तब धरती माता गौ का रूप धारण करके श्री हरि के पास जाते हैं, और श्री हरि ही गौ रूपी पृथ्वी माता को अपने आगमन का आश्वासन देके इनको उन्हें विचार मुक्त कर देते हैं, आप जाओ देवी, और हम इस युग में जैसे त्रेता युग के अंदर राजा दशरथ के घर में जन्म लेंगे, है ना, तो उस समय भी पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके गई थी। ठीक है, ये अपने धर्म की अपनी माँ है, इसके अंदर सारे देवता विद्यमान है जी। अच्छा, आप विज्ञान की दृष्टि से देखोगे, गौ के अगर आप हाथ फेरते हो तो आपकी बीपी,
जो भी बीमारियां होती है, क्या पता कौन कौन सी बीमारियां इसके हाथ लगाने से, सैकड़ों तरह की बीमारियां आपकी दूर होती है। और एक गौ माता ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन देती है, ओके, है ना। इसके आप गौ गोबर इसके हाथ भी लगाते तो कोई तरह का बैक्टीरिया नहीं होता सर। आप तो इसकी मालिश भी करो, हाथ लगाओ, ये आपको प्रेम वैसे ही देंगे। और ये अगर मान लो आप इन पर 100-200 रुपए पूरा करते हो, चारा वारा खिलाते हो, तो ये आपका अपना ऋण रखते नहीं है साहब, ये आपको दूध रूप में किसी ना किसी प्रकार में लौटा देंगे। बिल्कुल, हजार सैकड़ों गुना प्राप्त करा देते हैं साहब। जी जी जी, आने वाली विपदा हर लेते हैं, आपको स्वस्थ रखते हैं, स्ट्रोंग रखते हैं। और गौमूत्र का भी काफी वो है उसमें, मतलब औषधि रूप में माना जाता है। बिल्कुल औषधि है सब, अमृत है, नेक्टर। जी जी, नेक्टर है। तो अब हम बात करते हैं मारवाड़ी घोड़े की। सो मारवाड़ी घोड़ा क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ऐसा है सर, ये समुद्र मंथन में से निकला, ये 14 रत्नों में से एक रत्न है, भगवान सूर्य नारायण भगवान के रथों में जुड़ा हुआ उचित सर्वा नाम के देवता है, उनसे ये रत्न उत्पन्न हुए है। हाँ। ना उन्होंने 7 कन्याओं से विवाह किया, जब उनके 7 पुत्र हुए अलग अलग वर्ण में, और इनमें भी 4 वर्ण होते हैं जी, है ना, असुओं में भी 4 वर्ण होते हैं जी, जी, जी। ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये मारवाड़ी अश्व हैं, ये स्वामी जैसे भक्त होते हैं, जैसे नर असुतुरा बोलते हैं कि नर को कैटेगराइज किया गया है, वैसे ही घोड़ों को भी कैटेगराइज किया गया है। आज आप देखोगे गाजी जो मर्द है वो असली गाजी मर्द या अश्व ही है साहब। जी जी जी। तो सर आप जैसे, मैं अभी पुष्कर नगरी में हूँ और पुष्कर को होली प्लेस माना जाता है, है ना, और देवताओं की नगरी माना जाता है, काफ़ी लोग यहाँ पे आके इसको तीर्थ स्थान बोला जाता है, काफ़ी लोग आके यहाँ पे अच्छा फील करते हैं या फिर इस जगह पे आके वो होली मतलब एक पवित्र फील करते हैं अपने आप को। तो उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हाँ, मारवाड़ी घोड़े और को और धर्म को कैसे जोड़ा गया, या अध्यात्म को या घोड़े को कैसे जोड़ेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं आपको देखो, एक तो समुद्र मंत्र में से निकले, हाँ जी, और भगवान नारायण ने भी हस्वी ग्रीव नाम के अवतार लेके एक राक्षस को मारा था जी, है ना। तो भगवान नारायण ने भी अश्व का अवतार लिया था, है ना, और अश्व ये रत्न है, और ये रत्न जहाँ रहते हैं वहाँ कीर्ति ही बढ़ाते हैं, कीर्ति बढ़ाते हैं, वंश बढ़ाते हैं, सब चीज की बढ़ोतरी करते हैं। और इनको आध्यात्मिक रूप से इसलिए जोड़ा जाता है, हमारे शास्त्रों के अनुसार कि भगवान नारायण ने हस्तगिरी का उतार लिया था, और रत्नों में से समुद्र मंत्र में सूर्य भगवान के अश्व में है, और ये देवता इंद्र जो भी देवता रहते हैं, हर देवता के पास अलग अलग अश्व है, है ना। मृत्यु लोक में भी ये मनुष्यों को प्रसन्न होके ये अश्व देखे गए हैं, एक दूसरी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और ये वॉरियर के अंदर, जैसे आपने देखा होगा श्री राम, जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्र ने अपना रथ यहाँ पर मृत्यु लोक पे भेजा था, मृत्यु लोक पृथ्वी पर भेजा था। तो भगवान श्री राम ने उनसे पूछा कि भाई ये रथ क्यों, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी का निवेदन है कि आप इस रथ का उपयोग करो, और ये जो अश्व हैं, ये अश्व स्वयं वेद मंत्र बोलते हैं, है ना, और ये सब ये स्वयं अपना परिचय खुद देते हैं, अश्व अपना परिचय स्वयं भी देते हैं जी, है ना। अच्छा, अश्व के साथ आप प्रेम से रहोगे, अच्छे भाव से रहोगे, ये आपके आचार विचार सब समझते हैं साहब, आप डरते हुए जाओगे उसके पास, रीड करता है वो। हाँ, तो रीड करता है अश्व को, तो इसलिए इनको आध्यात्मिक से जोड़ा गया है, ये रत्न है। अच्छा, स्पीड का सिंबल भी बोला गया है, पावर का सिंबल भी बोला गया है घोड़े को, इसकी वजह से ही तो मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें बनी है सर। हाँ, पावर, हॉर्स पावर, बिल्कुल हॉर्स पावर की। और बोलते हैं कि मन रूपी घोड़ा जो है उसको भी, मन को भी घोड़े की संज्ञा दी गई है कि मन और मति, हाँ, है ना, जिसकी मन और मति एकाध केंद्र में होती है, मतलब अपने अंडर कंट्रोल में होती है, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। हाँ, मतलब फिर भी वो जुड़ा हुआ तुरंग से ही है कहीं ना कहीं, तो चाहे वो स्पीड अच्छे की तरफ जा रही हो चाहे बुरे की तरफ जा रही हो, बट वो मन रूपी जो स्पीड घोड़ा है उसको घोड़े से ही संज्ञा दी गई है कि वो बहुत स्पीड से इधर उधर भाग सकता है। मन को देखो, हिंदुस्तान के अंदर वॉरियर ब्लड क्षत्रिय जो इस भूमि के लिए, इस समाज के लिए जिन्होंने बलिदान दिया बहुत कुछ किया, इन क्षत्रियों ने इस भारतवर्ष को एकीकृत करने के लिए अपनी राजपाट सब त्याग कर दिए और भारत एक कर दिया, और घोड़े की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल, इधर से उधर जाने में हर राजा का एक पर्सनल घोड़ा होता था, लड़ाइयों के टाइम पे भी रहा। बिल्कुल, जो राजा को युद्ध से बचाता था, तीर से, भाले से, हर
हर बुरी नजर से समझ लो, महाराणा प्रताप का घोड़ा मान लो, चाहे शिवाजी का घोड़ा मान लो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा मान लो, बिल्कुल ऐसे ऐसे राजा भी हैं जिनका नाम अपन जानते ही नहीं इतिहास के अंदर। हां जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जो धर्म के लिए गौ ब्राह्मण समाज के इस देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, तो वो अश्व के साथ ही तो रहते थे। तेजाजी को भी घोड़े से जोड़ा जाता है। बिल्कुल तेजाजी भगवान है, तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। सो तेजाजी है, तेजाजी है, सूर्य के भी शायद रथ पे घोड़े ही, बिल्कुल मैं आपको कह रहा ना, सूर्य नारायण भगवान के रथ में 7 अश्व है, जिसमें से एक जो बीच में अश्व रहता है उसका नाम है उच्च सर्वा। अब इनको आध्यात्म मन वन गति ऐसे बोल के कहा जाता है, मगर उचित सर्वा नाम के रत्न है जो 7 सेंसेस के से जोड़ा जाता है उसको। आज भी इन अश्वों में है, आप अगर इनके साथ बैठोगे, इनको समय दोगे, तो बिल्कुल ये आपको बहुत सारे ज्ञान, वो 7 जो घोड़े हैं उनको 7 सेंसेस से जोड़ा जाता है कहीं ना कहीं ना, मतलब। तो सर अब आप बात करते हैं, थोड़ी धरातल स्थिति में आ जाते हैं। अध्यात्म के लिए बात इसलिए की गई कि हम लोग पुष्कर में हैं और आप भी गुरु की संज्ञा रखते हैं, तो इसलिए आपसे उस बारे में बात की गई, और आशा करता हूं कि लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आएगा इसके माध्यम से। तो अब बात करते हैं, आप अश्वों में कब से हैं सर? सर मेरा, अगर मेरे से आप पूछ रहे हो तो मैं 2011-12 से हूँ सर। 2011-12 से आप बचपन से ही हमारे अंकल के पास में अश्व थे। नहीं वैसे तो देखो अभी आप पुष्कर में ही रहे हैं, तो आप तो जब से पैदा होंगे तब से यहाँ पे मेले लगते आए हैं, सालों से मेले लगता है, लेकिन आपका पर्सनल, आपकी आपकी लाइफ में कब जुड़े घोड़े? 2011 में। सो अब अगर आप बात करें कि आज की तरह 2011 से लेके और अब तक आपने कितने अश्व लगभग रख लिए हैं? मेरे पास सबसे पहले एक घोड़ी थी, उसका नाम काजल था, ठीक है। एक बना थे जो हमारे जजमान थे, उन्होंने मेरे को, मैंने उनको कह दिया कि यार क्या यार बना, आप ही आप घूमोगे क्या यार, हमारे को भी तो दो यार। हाँ। तो उन्होंने कहा गुरुदेव यार सब आपके ही तो हैं, ले जाओ। तो उन्होंने मेरे को एक घोड़ी ला के दी अपनी प्रिय, उन बना के क्या कोई, वो फौज से रिटायर हुए हुए थे, तो उनके कोई बच्चे बच्ची थे नहीं, और वो उस घोड़ी बच्ची के साथ में उनकी बंसावली से चलती आ रही थी। अगर आप उनके लिए अच्छा भाव रखते हैं तो आप उनका नाम भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आप, वो आपका पर्सनल चॉइस। हम तो उनको बाबोसा करते थे, बताओ, है ना, मैं तो उनको बचपन से बाबोसा करते हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा, हम मेरे को वो बोलते थे गुरुदेव, है ना, तो मैं तो उनको बाबोसा, और कुछ बोलूं तो वो अपने मेरे हाथ अपने सर पे रखा लेते थे। तो उन्होंने मेरे को वो काजल घोड़ी दी और उसके साथ में एक टोली कुट्टी गिर उसके खाने का साधन सारा, कुछ 3 सेट लगवाए, गुरुजी ऐसे खाती है, ऐसे पानी डाल दो सुबह शाम, और इसके हाथ फेरो, सारा सारा व्यवस्था करके दी उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं बेचूंगा नहीं गुरुदेव, मैं तो आप सेवा करोगे आनंद आ जाएगा मेरे को तो, और ब्रह्म भूमि में, है ना। तो मेरे पास एक घोड़ी वो थी, तब से आपका स्टार्ट हुआ उसके साथ में लगाव ऐसा हो गया, जिसके दनी फिर मैं उसको दूध पिलाता था सुबह शाम, तो वो मेरे को आवाज लगाने लग गई, उसका अटैचमेंट मेरे से ज्यादा हो गया, उसकी मैं मालिश करता था दिन में 3 बार, वो स्ट्रांग हो गई। तब से अब तक कितने आपने घोड़े रख लिए? लगभग 5 के आसपास। सो अभी आपके पास एक जो घोड़ा है, नर घोड़ा है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं अपन। वो आपसे, आपके पास आप देख रहे हो कब से आया आपके पास, वो क्या उम्र का है, वो किसका बच्चा है, सब थोड़ा डिटेल में बताएं। अच्छा, ये 2016 की बात है सर। 2016 में ये मेरे पास, ये 2016 के अंदर दाना जोधपुर शो में विनर था, ये घोड़ी क्रॉस हुई, उसके बाद में ये 2016 के बाद में मेरे पास ये आया। क्या उम्र थी उसमें, उस समय उसकी उम्र थी सर 4 महीने। 4 महीना? 4 महीने बच्चा था, मतलब ये बिल्कुल, मैं आपको फोटो दूंगा, है ना, वो 4 महीने का था। फिर ब्रह्मदेव, फिर उसको मैंने इसके साथ, हम जिस घोड़े के साथ रहते हैं ना सर, तो ऐसा है सुबह शाम जब पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की स्तुति बोलते हैं, है ना, तो इनके सामने ही बोलते हैं, कथा कहानी भी करते हैं, तो यही सुनते हैं, और इनकी, ये हमारी सुनते हैं और हम इनकी सुनते हैं। देव रूप, तो ब्रह्मदेव का नाम इसलिए रखा गया है, वो पुष्कर राज को ब्रह्मा नगरी में है, ब्रह्मा नगरी में है। और दूसरी बात, ब्रह्मदेव धीरे धीरे बड़ा हो गया, और बड़ा होने के ब्रह्मदेव के साथ में माया भी थी, तब से आपके पास ही रहा वो। जी जी जी। और माया को, माया के बारे में तो बात करेंगे ही, तो अब बात करते हैं ब्रह्मदेव की उम्र अब क्या एज का हो गया लगभग? ब्रह्मदेव मेरे हिसाब से 8 साल के, 8 साल का हो गया, 8 साल का। जी 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 जी। सो रिजल्ट्स के बारे में अगर बात करें ब्रह्मदेव की, तो कितने अभी तक इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं? इसके रिजल्ट आ चुके होंगे अभी तक 20-25 तो आ गए हैं, और 15-20 अब और आ जाएंगे। दाना सर, इसका जो फादर था वो किस घोड़े का था? जी दाना का ये मेरे को पता नहीं है सर। ओके। मैं आपको ये नहीं कहूँगा इधर, मेरे को पता नहीं है, मेरे को दाना
जोधपुर शो विनर था 2016 के अंदर जी जी। फिर उसके बाद में वो अंबानी जी ने खरीद लिया था जी जी जी। उसके बाद में वो और ज्यादा, पहली बार मैंने ही बताया का दाना अंबानी जी ने खरीदा है 2017-18 की बात है, 18 में दिखा था सर। ओके ओके, बाकी उसके बारे में डिटेल आपको पता नहीं। ओके, सो अब हम बात करें इसके, इसकी स्टड सर्विस की बात करते हैं, इसकी फीस आपने क्या रखी हुई है? अच्छा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ सर। ऐसा है, ब्रह्मदेव के आप ब्रीडिंग के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ मारवाड़ी असुर जिसके अच्छे कैरेक्टर हों, जो अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करते हों, उनका भी नंबर आना चाहिए, उनके पास भी गुड़िया जानी चाहिए और अच्छी अच्छी गुड़िया भी मिलनी चाहिए, छोटी गुड़िया भी मिलनी चाहिए, गरीब किसान की गुड़िया भी मिलनी चाहिए और जो असु पालक हैं उनकी गुड़िया भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको एक प्रोमिस ये कहना चाहता हूँ हृदय से, अगर आप हिंदुस्तान का बेहतरीन घोड़ा कवरिंग कराते हो किसी घोड़े से, एक बार उसको मौका दो, एक बार ब्रह्मदेव को भी मौका दे, फिर देखना रिजल्ट कैसा होता है ना। कहते हैं बेईमानी के घोड़े मैदान में हार जाते हैं, जो छल करता है, मेरी बात सुनना, 2,000-4,000 घोड़िया क्रॉस कर रखी है, 2,000 घोड़े ही तो फेमस थोड़ी होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं जिसका मालिक बेरवान उसका गधा भी पहलवान होता है। जी बिल्कुल। तो ये अश्व तो ब्रह्मदेव तो खुद को प्रोड्यूस कर रहा है कि इस कुरुक्षेत्र में खुद प्रूव कर रहा है, हाँ, कि मैं हूँ। ये बच्चे देख के भी कर रहा है, ये शो में भी जाता है, अभी जैसे मैं रणसी शो लेके गया इसे, हाँ जी, तो वहाँ पर भी ये टॉप 10 के अंदर था, टॉप 10 में रहा है ना। और 2017 के अंदर अदंत के अंदर ये इसने मेरे को पशु विभाग की तरफ से 5100 रुपए का इनाम दिलाया हुआ है ना, और शील्ड विल्ड वो देते ना, प्रॉपर प्रॉपर ट्रॉफी बिल्कुल मेरे को दिलाई और इसने मेरे को कीर्ति बढ़ाई है सर। इसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग एक नंबर है ना। तो ब्रह्मदेव बहुत बढ़िया इसके सर पे पट्टा है और दो पीछे के पैर सफेद हैं। सो नर के नाम पे फर्स्ट आपके पास यही आया? जी, उससे पहले घोड़ियाँ थी आपके पास? जी, एक घोड़ी थी। जी जी जी। सो अभी आपके पास इसके रिजल्ट्स हैं कुछ, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। ब्रह्मदेव का सबसे पहले मेरे पास रिजल्ट आई थी पचकल्याण की, तो वो हमारी गलती मान लो आप, उस हमारी गलती, हमारे अनजान पने की वजह से कोई उस समय मदद भी नहीं कर पाया। मैंने बहुत से लोगों को फोन भी किया मगर उन्होंने फोन उठाया नहीं। अब बहुत से जने तो होते हैं चैनल पर तो बहुत तरीके से बात करते हैं है ना, और व्यक्तिगत आप उनसे मिलो तो वो व्यक्तिगत अनुभव अलग हो जाता है, वो तो सवा शेर ही रहते हैं साहब। तो फिर मैंने उनको फोन लगाया मगर किसी ने उठाया नहीं। फिर वो बच्चा थैली में था, वो पानी घुस गया उस नाक में, मर गई वो। फिर उसके बाद में मैंने बहुत सी बार यूट्यूब में देखा, बहुत से जने को पूछा पुराने आदमियों को, तो उन्होंने मेरे को बताया बच्चे होते हैं तो नाक साफ करते हैं, अब तो एक्सपीरियंस हो गया, बच्चे होते मैं तो घर पे सोता ही नहीं हूँ, घोड़ी के पास ही रहता हूँ सब 10 दिन। जब घोड़ी दूध छोड़ने लग जाती है तब मैं घोड़ी के पास रहने लग जाता हूँ 24 घंटे। और एक हमारे जो बना है वो भी रहते हैं, हम 2-3 जने रहते हैं यहीं पे, खाते पीते हैं, पूजा पाठ करते हैं आराम से, और जब होता है तो भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं। तो दूसरी बार मेरे को बच्चा दिया अर्जुन, जो अभी आपके सामने है अर्जुन है जी, है ना, ये अर्जुन को भी पुष्कर शो में रिंग में, अर्जुन ब्रह्मदेव और माया का है जी, अर्जुन ब्रह्मदेव और माया का है, ब्रह्मदेव दाना का है और माया आलिशान की पोती है, दिलशान की बेटी है जी जी जी। माया और ये ब्रह्मदेव फूल सिंह जी का लड़का था, शिवराज हॉर्स सोसाइटी में बहुत अच्छा लड़का था साहब, और वो मेरे को मामोसा और मेरा भी वो, मेरा स्नेह एक अटैचमेंट अलग ही था साहब जी। व्यक्तिगत उस बच्चे के बारे में बोलना पड़ेगा, आज तो स्वर्ग में है वो बच्चा, वेरी नाइस, अच्छा अच्छा है ना। उन्होंने उस बच्चे ने मेरे से छोटा था मगर मेरे में और ऊर्जा डालता था वो जी जी। नहीं, मैं भी टच में था, को ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ऐसा होगा आपका नाम होगा ऐसा होगा। आज वो तो यहाँ पर है नहीं है ना, मगर फिर भी आज देखो उसका उनका भी प्रेम ही है, आशीर्वाद ये मानो आप तो विकुंठ में है ना। जी जी जी। तो आज आनंद ही आनंद है साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्जुन अभी कितने लगभग उम्र का हो चुका है? अर्जुन कृष्ण जन्माष्टमी को पैदा हुआ था और ये आज 32 महीने का हो चुका है जी, है ना, 32 महीने। अदंत के अंदर इसको पुष्कर शो में भी उतारा था अर्जुन को और रणसी शो में भी उतारा था, ये टॉप 10 के अंदर था। ओके। इसकी सुंदरता, कद काठी सब ब्यूटीफुल है, इसमें जो कैरेक्टर होने चाहिए मारवाड़ी के, बारीक से बारीक वो सब उसमें है। हाइट की अगर बात करें अर्जुन कितना, अभी अर्जुन स्केल नाप, जो वाटर स्केल नाप करते हैं हमारे अंकल हैं है ना, तो उन अंकल ने स्केल नाप करके, मैंने वैसे हाइट नहीं नापता हूँ, वो लेके आए और इसका हाइट नापी तो 61+ है साहब, 61.5+ है, तो अभी तो हाइट करेगा, अभी तो ये बच्चा बाप 63.5+ है, अप्रोक्स 62 मान लेते हैं। हाँ, तो हो जाएगा अपन तो, मतलब उन्होंने 61.5+ बोला है ना महीने भर पहले, तो अब बढ़ेगा भी, तो अभी तो बच्चा दूध पीता है, बच्चा है। हाँ, तो मतलब आपका 61.5
अबव है, ऊपर है, बिल्कुल इसके अलावा। ठीक है ठीक है ठीक है। सो आप जैसे अगर बात करेंगे, आपने अभी तक यहाँ से कुछ कोई भी अश्व आपने सेल नहीं किया है, और आगे कोई चाहता है कि भाई अर्जुन को देख के कोई बोलता है कि नहीं हमें ये चाहिए अपने फार्म के लिए, तो क्या दे देंगे आप? देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात और बोलता हूँ, मारवाड़ी अश्व है ना, ये बिगर किस्मत के बिगर भगवान की कृपा के किसी के घर जाता नहीं, जाते भी नहीं, आते भी नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आप बेचने जाओगे तो खरीददार मिलेगा नहीं, और कोई ढूंढने जाएगा तो लाने जाओगे तो ऐसा रत्न मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। आप देख लो अर्जुन को बाहर निकाल के देखो, और एक से एक बच्चे को देखो, सब सुंदर है, सही सही, अपनी अपनी जगह सब सुंदर है, सही है, मगर जो एग्जाम में पास होगा वही तो आगे बढ़ेगा ना सर, बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना, सही बात है। तो अर्जुन एग्जाम में पास होगा, मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है। अभी जैसे अभी पुष्कर फेयर आएगा, पुष्कर मेला आएगा, तब तक तो शायद ये दो दांत कैटेगरी में चला जाएगा, बिल्कुल दो दांत में उतरेगा। और लास्ट टाइम आपने अदंत में लगाया था इसको, जी जी, ओके, रणसिंह में भी आपने लगाया था, बिल्कुल बिल्कुल रणसिंह में भी लगाया था, तो मेरे को तो खुशी ऐसे मिल गई, एक जो ओरिजिनल अशु पालक होता है और वो सेवा करता है, और उसे आके कोई कहता नहीं यार आपका मजा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, अच्छा यही जीतेगा, मेरी बात सुनना। तो एक आप माता पिता और जो ओनर है, जो मान लो जो सेवक है, वो तो चाहता ही है जीते, मगर जो दर्शक जो देखते दूसरे लोग अप्रिशिएट करें, उनकी आत्मा भी खुश होती है और अश्व के साथ अटैचमेंट होती है, वो मेरे को बहुत खुशी पलदायक था मेरे लिए, मैं बहुत खुश था, बिल्कुल क्या। और ये अर्जुन है, इसको मैं चाहता हूँ अगर कोई अच्छा घर मिलेगा, पैसे की बात नहीं है, अच्छा घर मिलना चाहिए तो आप दे देंगे, बिल्कुल, जो सेवा करेंगे, मेरे पास तीन तीन नर है, है ना, ब्रह्मदेव है, ब्रह्मदेव है और इसका बच्चा है, और दूसरा अभी शायद छोटा एक बच्चा और है आपके पास, ये रत्न तो वही लेके जाएगा जो हीरे की परख करना जानता हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना, बिल्कुल। तो माया के बारे में अब बात करते हैं, जो अर्जुन की जो डैम है, अर्जुन की जो मदर है, उसके बारे में थोड़ा बात। माया दिलशान की बच्ची है, माया की माँ भी बहुत रूड मेयर है, भवानी सिंह जी बना है, उनके पास एक ही मेयर है माया, माया की माँ, वो घोड़ी 63.5+ है, कुमेद कलर की है, सर पे पट्टा है, कान कुमेद बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लाइन की है, है ना। और ये दिलशान की बच्ची आलिशान की पोती हो गई, ओके, उम्र कितनी है इसकी? 8 साल उम्र है साहब, 8 साल है। तो दोनों मतलब ब्रह्मदेव को साथ साथ ही लेके आए थे जी 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 जी, वो बच्चा था और ये बच्ची थी, हाँ ये दो बच्ची थी, दोनों 4-4 महीने 3.5-4 महीने 4 महीने के थे। और ये मेरे को पसंद कराने में, एक तो अश्व होता है किसी दूसरे की पसंद का, ये मेरी पसंद के हैं, ओके, है ना, और मैंने एक डिफरेंट लाइन चुनी, देखो दाना हो गया अलग लाइन का, आलिशान लाइन की ये घोड़ी हो गई, आज इसके दोनों के रिजल्ट देखो कितने सुंदर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, है ना। और दाना लाइन जिसके भी ऊपर अगर आप दाना लाइन दिखाते हो, अच्छे बच्चे आ रहे हैं साहब जी जी। मैंने तो लाल अबलग घोड़िया भी दिखाई है जो 58 ऐड की है, इसको कोई दिखाता नहीं है, इसने प्रमोट किया है, देखो ब्लैक कलर आ रहा है, सर पे पट्टा आ रहा है, पचकल्याण फीली आ रही है, और ना दो पैर सफेद आ रहे हैं, 3 पैर सफेद आ रहे हैं, पट्टा आ रहा है, कान कुणोती कुंदन जोरदार आ रहे हैं, और तो अब उनकी सेवा करेंगे तो अपने आप ही सब आनंद होगा। परफेक्ट बात है, परफेक्ट बात है, और अच्छे बच्चे, डबल बोन बच्चे हैं, बिल्कुल डबल बोन है, और सबसे बड़ी चीज अश्व में सुंदरता भी होनी चाहिए, और मार्किंग वाइज भी अच्छे आ रहे हैं, मार्किंग वाइज भी अच्छे होने चाहिए, और उनकी जो मेंटली सोच है वो एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, टेंपरामेंट अच्छा, वो अपने मालिक के साथ में अंडरस्टैंडिंग करके चलने चाहिए। आप अर्जुन को देख लो, ब्रह्मदेव को देख लो, ये अपने सवार के साथ में अंडरस्टैंडिंग मिला के चलते हैं साहब, ऐसा नहीं है कि ये आडूपना करके गिरा देंगे किसी को, ऐसा कुछ करंट है बट ओबीडेंट है, हाँ बिल्कुल समझदारी है, तो ये तो भगवान की कृपा ही मानता हूं मैं तो। मेरे को बहुत से जने कहते हैं कि भाई अश्व इतने डेंजर होते हैं, ऐसे होते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है, इनको समय दो, इनके हाथ फेरो, इनसे बात करो, आप ये भी आपसे बात करेंगे, ये बोल नहीं सकते मगर ये आपको प्रेम जरूर देंगे, अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करते हैं, ये भी बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जबान से ही तो नहीं बोल सकते ना, बाकी भाव से तो सब बता ही देते हैं, मालिक को सब कुछ पता लगता है, जो मालिक बहुत दिल से अटैचमेंट रखता है इनसे, या जो भी व्यक्ति इनसे रखता है, तो उनको तो पता लग ही जाता है कि अब क्या फील कर रहे हैं, खुश होंगे तो पता लगता है, दुखी होंगे तो पता लगता है, बीमारी में है तो पता लगता है, दर्द है तो पता लगता है, बाहर उनको जाना है, उनको घूमना है, मस्ती करनी है, तो पता लगता है कि चलो अभी यार मालिक को खुद को पता लगा था कि नहीं यार उसको निकालते हैं थोड़ी देर। जिस घर में गऊ जाती है उसकी गरीबी भग जाती है, और जिस घर में अश्व आते हैं उसकी कीर्ति बढ़ती है, वाह, है ना। तो अश्व और गऊ माता धर्म की अपनी माँ है, विवेकानंद जी को गाय और घोड़ा, हाँ विवेकानंद जी को विदेश में पूछा गया, सब सभा लग हुई थी, हर कंट्री के बड़े बड़े बुद्धिमान आदमी आ रखे थे, तो विवेकानंद जी को भी पूछा सबसे अच्छा दूध किसका है, तो किसी ने कहा भैंस का है, किसी ने कहा इसका है, किसी ने कहा बकरी का है, तो विवेकानंद जी को पूछा तो विवेकानंद जी ने कहा सबसे बढ़िया दूध है भैंस का, विवेकानंद जी ने कहा, ओके, सबने ऐसे कहा भैंस का दूध, दूध तो गाय का अच्छा होता है, तो विवेकानंद जी ने कहा नहीं, गाय माता दूध नहीं देती, अमृत देती है, है ना, तो गौ माता अमृत देने वाली है, उसको दूध की कैटेगरी में नहीं रखा गया, बिल्कुल अमृत है ये तो साहब, है ना, ये आपको अमृत देगी, जो अमृत पिएगा वो तो बलशाली होगा, उसको मृत्यु का भय नहीं होता, है ना, ताकते बल भारी है, बुद्धि विवेक भी आगे मौत भी हारी है, शरीर में आपके बल रहेगा
तो आपकी बुद्धि भी तेज रहेगी, और बुद्धि तेज रहेगी तो आप आगे बढ़ोगे, आप विनम्र स्वभाव के रहोगे, सरल स्वभाव के रहोगे, और आप उन्नति को प्रदान करोगे। जरूरी थोड़ी धनी सब कुछ होता है, मगर आप इच्छा करते हो आज 1 करोड़ का काम होना चाहिए और 1 करोड़ आपके पास आ जावे, तो वो बड़ी सबसे बड़ी उपलब्धि है, है ना। धन पड़ा रहे और आपको नींद ही नहीं आवे, ऐसा धन क्या काम का। धन घर में पड़ा रहे और भाई परिवार इष्ट मित्र सब लड़ रहे हैं, वो क्या काम का धन, है ना। धन तो वो है, आज आवश्यकता 1 करोड़ की है, जो इच्छा करूं मन माई, हरि प्रसाद को दुर्लभ नाही, भगवान की जो भी मैं इच्छा करता हूं वो पूरी होती है। इच्छा तो अपनी एक ही है, क्या है, भगवान की भक्ति। ठाकुर की सेवा में रहेंगे ना तो सब आनंद होगा, जहाँ पर कृपा श्री राम की होगी, है ना, तहाँ पर कृपा करे सब कोई, भगवान की कृपा होगी तो सब काम होगा। बुद्धि शुद्ध, आचार विचार मति जिसकी बस में रहती है, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं सब, है ना। और ये जो आप अश्व की बात कर रहे हो साहब, अश्व आने के बाद में मैं इधर उधर कहीं मेरे को समय नहीं मिलता है, मैं मेरे काम से काम करता हूँ, पूजा अर्चना हमारे पास से नियमित पूरे हुए, उसके बाद में मेरे अश्वों के साथ रहता हूँ, और इन अश्वों की वजह से मेरे पास कितने जने बाहर से आते हैं साहब, हाँ, कोई ब्रीडर आता है, कोई हॉर्स लवर्स आता है, कोई कितने जने आके देख के जाते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है साहब, तो मैं तो परम आनंद हो गया मेरे को, बहुत बढ़िया इन अश्वों की वजह से, बिल्कुल बढ़िया। सो थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद अभी के लिए, क्योंकि घोड़ों के बारे में और इनके बारे में बात करके तो पूरा दिन निकल सकता है, क्योंकि जो अश्वपालक अश्व लवर है, अश्व प्रेमी है, उनके लिए तो ये जितना चाहो उतना कम समय है, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए वीडियो को इतना ही रखा जाएगा। और धन्यवाद, आपने अमूल्य समय दिया। मैं आपको एक चौपाई बोल के सुनाता हूँ, प्लीज़। ये चौपाई है, जिसकी जिसकी घर में गरीबी है, जो अपनी पद से, मतलब अब जहाँ एक तो पहले था वो पैसे वाला और एकदम गरीब हो गया है ना, दुखी है, गरीब है, तो भगवान इस चौपाई, अपन जब चौपाई बोलते हैं ना, इस चौपाई से कोई भी प्रतिष्ठा हजारों गुना बढ़ के प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप सब सुनो और भगवान का देखो, मैं तो ब्राह्मण हूँ, जगत आदि, हाँ ब्राह्मण हूँ, मेरे मुख से तो मैं तो भगवान का ही वर्णन होना चाहिए, है ना। गही बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल सायब रघुराजू। जिसकी प्रतिष्ठा गई भी हो तो भगवान का भजन करने से, अच्छे आचरण करने से, सतमार्ग पे चलने से, भगवान का नाम जप करने से, अच्छे कर्म करने से हजारों गुना बढ़ के मिलती है। गई बहोर गरीब नवाजू, गरीबी को, गरीब के जो भगवान है, भगवान श्री राम है, है ना। तो भगवान श्री राम सबकी रक्षा करे और सबके आनंद करे, सबके अश्व मस्त रहे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मारवाड़ी अश्व के लिए समय निकाल रहे हो, रियली आप, मैं आपको मानता हूँ कि आज जो जितने भी है ना, जो हॉर्स लवर्स हैं, आप उनके पास जाते हो समय, मैं देख रहा हूँ आप सुबह से निकल के आप बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, इतना कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, आपको बहुत धन्यवाद है। और मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं आपको यही आशीर्वाद देता हूँ, देखो पढ़ो पुलो आनंद करो, खूब उन्नति करो, और आपका जो चैनल है ये बहुत प्रमोट हो, बहुत आगे जाए, है ना। थैंक यू सर, और आप सब जगह जाओगे तो अच्छी बात सीखोगे, और इनका चैनल देखोगे तो भी आपको फायदा होगा, तो मेरे तो यही है, सबकी जय हो, मंगल हो। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।